एबीपीएस न्यूज सच का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएस न्यूज। आज हम बात करेंगे मानव क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन सिंह गौतम जी से। उनसे जानेंगे कि वर्तमान सरकार की कानूनी अध्यक्ष जी, ये बताइए, आप मानव क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था पे मेरा कहना है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी गवर्नमेंट चल रही थी, उस समय भी मर्डर, किडनैपिंग, रेप वही चल रहा था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बीजेपी में बढ़ चुका है। कैसे? लखनऊ में अधिकारियों की, विभागीय कर्मचारियों की मर्डर हो रहे हैं खुलेआम। अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, हो गया था गोमती नगर में, इंस्पेक्टर ने गोली मार दी थी, मर्डर कर दिया खुलेआम। उसको क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि योगी सरकार चल रही है, कौन क्या कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, अभी ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी गाँव क्षेत्र थाना चौकी, या अभी आप बाइक से जा रहे हैं, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, अभी लखनऊ में हूँ, मैंने लखनऊ में बाइक चला रहा था, वैलेंटाइन चौराहे की बात है, हेलमेट सब लगा था, फिर भी वहाँ पे जो ट्रैफिक वाले, जो पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने मेरी बाइक को हाथ दिया, मैंने रोक लिया, ताकि ट्रैफिक रुका था, तब वहाँ पे पता है क्या पूछ रहे हैं, भैया कागज दिखाइए, DL दिखाइए। मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, मानव क्रांति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष साइट हो गया, तो उसको वहां पे डरने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो क्यों डरा? क्योंकि मैं राजनीति में हूँ इसलिए डरा, लेकिन ये टाइम गलत है। किस टाइम की बात है? कागज आपके सारे कंप्लीट थे? सारे कागज मेरे कंप्लीट थे, DL, बाइक के सारे डॉक्यूमेंट, सब, हेलमेट वगैरह सब कुछ, हेलमेट लगाया था तब ये चीज बोली थी उसमें। अब ये क्या है, वो सोच रहे 150 मिले, अभी कोई और होता, मेरी जगह कोई और होता तो निकलता सारे सीधे, यानी कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे तब भी पुलिस वाले ने रोका, डॉक्यूमेंट चेक किए, फिर भी आपसे पैसे मांगे जी। पैसे की बात आती है, आज के टाइम कहीं भी चले जाओ, कहीं लखनऊ की वैलेंटाइन चौराहे की बात करता हूँ, दिन भर में कम से कम 20,000 रुपए पुलिस कमाती है वैलेंटाइन चौराहे से, लिखित में दे सकता हूँ। मेरे साथ पूरा दिन पुलिस रहा है, मैं पूरा दिन उसका हिसाब लेके दे। अच्छा, ये बताइए, ये जो पेट्रोल के दाम बढ़े, पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम बढ़े, इस पर आपका क्या कहना है? डीजल पेट्रोल, जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, इसके साथ साथ गैस के भी दाम बढ़ गए हैं, गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, दुनिया हर चीज, सामान कपड़ा लगता, हर चीज पे रेट हाई है, किस पे? GST लगा के हर इंसान GST लगा रहा है, लेकिन डीजल पेट्रोल पे GST आज तक लागू क्यों नहीं हुई? योगी जी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बात बताइए, हमारे पड़ोसी मुल्क है, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हूँ, बॉर्डर पे उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे हूँ, नेपाल का रेट देखिएगा और अपने UP इंडिया का रेट देख लीजिए डीजल पेट्रोल का, तो अब कहाँ गए? अब योगी जी मोदी जी नहीं देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल का क्या रेट है? राम मंदिर पे आपका क्या कहना है? राम मंदिर के लिए योगी जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से पहले जब प्रचार हो रहा था, चुनाव से पहले राम मंदिर बनवाएंगे, 2019 का चुनाव आ गया है, अभी तक ना राम मंदिर की नींव भरी गई है, ना बुनियाद, ना एक ईंट पहुंची है, और मेरे को लगता है लाइफ में जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी कभी बन नहीं पाएगी, और जिस दिन बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया उस दिन बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी, कभी उसकी गवर्नमेंट नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास एक ही मुद्दा है, राम मंदिर। जब भी चुनाव से पहले जब भी कोई मुद्दा आता है तो बीजेपी के पास में एक मुद्दा रहता है कि राम मंदिर बनवाएंगे, हम जीतने के बाद राम मंदिर बनवाएंगे। कहाँ बनवाया? अध्यक्ष जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि 2019 के इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले राम मंदिर की नींव रखी जाएगी या फिर नहीं? लगता नहीं है मेरे को रख जाए, मेरे को लगता नहीं है कि नींव या मंदिर वहाँ बन पाए, क्योंकि वो मैं जानता हूँ राम मंदिर कभी कोई नहीं बनवा पाएगा,
मैं नहीं चाहूँ, अगर मेरी भी गवर्नमेंट होगी मैं भी नहीं बनवा पाऊंगा। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर मैं नहीं नो करूंगा, यस कभी नहीं करूंगा, क्योंकि राम मंदिर हुआ हिंदू मुस्लिम का विवाद है। मेरा काम है मानव मानव को जोड़ना, ठीक है। मेरी पार्टी का नाम मानव क्रांति पार्टी। मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता हूँ, जात पात को देखता नहीं हूँ। सबको मानव से मानव का बंधन जोड़ो, बन के रहो, प्यार से रहो, एक साथ रहो, भाई बंधन का। थैंक यू।